अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर मम्मीज किचन। आज हम बना रहे हैं पहली बाइट्स, जिसके लिए ये मिर्चें इस्तेमाल की जाती हैं बड़े साइज की। ये देख लें आप, मोटी मिर्च जब आती है इसी सीजन में इसको बनाते हैं। तो इस ये आपने ले लेनी है, 7 से 8 मैंने लिए और इनको टक लगा के और इसके बीज आपने निकाल लेने, ठीक है। मिर्चों के लिए हम एक फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए मुझे चाहिए चिकन। ये मेरे पास बॉयल हुआ हुआ चिकन है, 200 ग्राम, तकरीबन एक प्याली के बराबर। हॉट सॉस है मेरे पास 1 टीस्पून, चिकन पाउडर है 1/2 टीस्पून, केचप है मेरे पास 3 टेबलस्पून, चीज़ है मेरे पास चेडर चीज़ है ये 1/2 प्याली है, काली मिर्च पाउडर है ये 1/2 टीस्पून है, मायनीज है मेरे पास 4 टेबलस्पून और नमक है 1/2 टीस्पून। तो चले चल के स्टार्ट करते हैं पहली बाइट्स बनाना। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ मायनीज, केचप आप अपनी चॉइस से ले सकते हैं, चिली गार्लिक लेना चाहें वो भी लें और अगर प्लेन केचप चाहें तो वो लें। हॉट सॉस है, काली मिर्च पाउडर है, चिकन पाउडर, नमक, इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करना है हमने पहले। इनकी मिक्सिंग अच्छी सी हो जाएगी तो हम इसके अंदर चिकन और चीज ऐड करके मिक्स कर लेंगे। जबरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ही मजे की रेसिपी है। बस अच्छी तरह आपने देख लेना है क्योंकि मायनीज थोड़ी थिक होती है और ये अच्छे से स्मूथ सी पेस्ट बन जाए, मिक्सिंग सी हो जाए, ठीक है। अब हम इसके अंदर डालेंगे चिकन और ये हम ऐड करेंगे चीज, चेडर चीज ले रही हूँ मैं। अब ये देखिए मेरे पास फिलिंग रेडी है, ये मिर्च है, इसको मैंने बीच में से टक लगा के इसमें से उसके बीज निकाल लिए। अब करना क्या है कि इसको अंदर फिलिंग फिल कर देनी है और आपने ऐसे करना है कि बहुत ज्यादा भी फिलिंग ना हो और बहुत खाली खाली भी ना हो। इनको हम इस तरह फिल कर लेंगे पहले मिर्चों को और उसके बाद हम इसकी कोटिंग। तो मैंने फिल कर लिया है, अब क्या करना है, सबसे पहले हमने मैदे में डिप करना है, ठीक है। कोटिंग करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको मैंने, एक तो इसमें हमने चीज डाली है, दूसरा हमने हरी मिर्चों को काट लिया है, ठीक है। तो इसको फ्राई करने में ना बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसकी अच्छी से आपने पहले कोटिंग करनी है और हाँ बल्कि डबल कोटिंग करने वाले हैं, ठीक है। अब मैं इसको अंडे में कोट कर रही हूँ। अच्छी तरह हमने अंडे को इसके ऊपर लगा दिया है, अब हम इसके ऊपर क्रम्स लगाएंगे, ब्रेड क्रम्स। ठीक है, ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, फिर हम इसको दोबारा अंडे में डिप करेंगे, ठीक है, और फिर एक बार और कोटिंग करेंगे। क्योंकि ये देखिए आपको शायद नजर आ रहा हो कैमरे में, यहाँ से थोड़ा 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 नजर आ रहा है, ये यहाँ से जहाँ से कोटिंग सही नहीं होगी ना ये लीक कर जाएगा और फिर फ्राई करने में बहुत दिक्कत होगी। इस पोजीशन पे आप इनको मतलब कोट करके उसके बाद आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कोटिंग पे जो है ना फिंगर कम लगे, क्योंकि वो मिर्च की जो स्लिप सरफेस है ना उसकी ऊपर से सारी कोटिंग हाथ लगने से जो है ना वो खराब हो जाती है। बस अब हम इनको इस तरह डिप कर लें, कोट कर लिया है हमने और अब हम इनको फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करना है और ये बड़ी जबरदस्त किस्म की रेडी हो जाएगी। इस तरह हमने सारी रेडी कर लेनी है। ये हमने सारी मिर्चों को फिलिंग करके कोटिंग कर लिया है, अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे।
हम यहाँ बहुत जल्दी से हो गई है ये, और कोई वो नहीं है कि इसको देर लगनी चाहिए क्योंकि अंदर सब कुछ कुक है। ठीक है, कलर देखिए बड़ा प्यारा सा आया है, इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।